हेलो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो फ्रेंड, इस योजना में सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड और एक बैंक पासबुक होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर साथ में होना चाहिए। उसके बाद में CSC के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आधार नंबर, बैंक नंबर लगाने के बाद में एक मोबाइल पे OTP आएगा। OTP लगाने के बाद में वापस कस्टमर का फिंगर स्कैन होगा। फिंगर स्कैन होने के बाद में पूरी फॉर्म फिलअप करने के बाद में एक फॉर्म प्रिंट होगा। फॉर्म प्रिंट होने के बाद में उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके उसके बाद में उसको वापस अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद तुरंत ही इसका कार्ड, श्रम योगी का कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसकी सारी प्रोसेस हम अपने सिस्टम पे समझ लेते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। और फ्रेंड, ये वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा आराम से देखना ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पोर्टल CSE में लाइव हो गया है, ऑप्शन आ गया है। तो हम इसको लॉगिन करके ट्राई कर लेते हैं कि ये लॉगिन कैसे होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड क्लिक करना है। CSE पोर्टल लॉगिन होने के बाद में फिर यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और ये पोर्टल अब रिडायरेक्ट होके वापिस आगे का पोर्टल खुल जाएगा। ये पोर्टल खुल जाएगा। ये खोलने के बाद में फ्रेंड अपने को यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक टू गेट स्टार्ट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में वापिस अपने को CSE ID वापिस लगानी है। CSE ID लगाने के बाद में वापिस इसका पासवर्ड लगाना है और साइन इन हो जाना है। साइन इन होते ही यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पूछेगा, तो यस कर देना है। ऑथेंटिकेशन यस करने के बाद फ्रेंड ये पोर्टल लॉग इन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे न्यू एनरोल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सब्सक्राइबर का आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और उनकी मतलब जेंडर क्या है, वो जेंडर सेलेक्ट करना है। और फिर इसमें ये बताएगा कि बेनिफिशरी MPS में है या इसमें है या नहीं है, उसका पूछा गया है। और टैक्स पेयर है तो इन दोनों को अपने को नो ही करना है क्योंकि टैक्स पेयर वालों को ये सुविधा मिलेगी नहीं। तो फ्रेंड ये पोर्टल लॉग इन हो गया है। आप भी इसी तरीके से लॉग इन करके चेक कर लें। और तो फ्रेंड मैंने डिटेल भर ली है और यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब OTP सेंड होगा और वो OTP लगाना है इसमें। मेरे OTP आ गया है तो मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई होते ही आगे का ऑप्शन फिंगर है इसमें लेगा, तो ये थोड़ा स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद में आपको यहाँ पे राइट करना है। राइट करने के बाद में स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। स्टार्ट कैप्चर के बाद में मोर फोर में लाइट आ जाएगी। ये फिंगर कैप्चर करवा लेना है। ये हमने फिंगर कैप्चर करवा लिया है। अब आगे की प्रोसेस में आगे की डिटेल और ये उम्र के हिसाब से ये सारी डिटेल्स शो कर देगी। मंथली 130 रुपये हमारी किस्त आएगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और 33 ईयर एज हो गई है। और क्या क्या बनना है मैं इसमें देख लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है जो भी आपकी कैटेगरी है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज करना है जो भी जिसमें भी आप आते हो, तो मैं देख के सिलेक्ट कर लेता हूँ बाद में। तो फ्रेंड ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ नीचे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देखिए ये वेरीफाई हो रहा है वापस, तो इसमें अपन को पेमेंट कटेगा, तो ये पेमेंट वॉलेट पे अपन लगा लेते हैं, यहाँ से सबमिट कर देते हैं। और सबमिट होते ही देखिए फ्रेंड ये हमारा पेमेंट कट हो गया है और ये डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और डाउनलोड फॉर्म कर लेता हूँ। डाउनलोड फॉर्म फ्रेंड हो रहा है अभी, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब देख लेते हैं इस फॉर्म में क्या क्या है। डाउनलोड होने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे फॉर्म को अपलोड भी करना है, यहाँ पे फॉर्म को अपलोड करना है। अब देख लेते हैं आगे क्या प्रोसेस है। ये फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है और इस फॉर्म को साइन करके वापस अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड ये इस वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSY CSC पोर्टल के माध्यम से अकाउंट ओपन करना बताया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी वीएलई भाइयों को इससे मदद मिल सके। तो फ्रेंड मैंने फॉर्म को स्कैन करके साइन कर लिया है, अब मैं वापस यहाँ पे फॉर्म अपलोड कर देता हूँ। मैंने फॉर्म को स्कैन भी कर लिया है, ये फॉर्म मैंने यहाँ पे देखी फ्रेंड मैंने स्कैन कर लिया है और यहाँ पे सिग्नेचर कर लिया है और तीन नीचे सिग्नेचर कर लिया है। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे चूज करने के बाद में यहाँ पे अपलोड, अब मेरा फॉर्म अपलोड हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड मेरी एज 33 साल है तो 130 रुपये मंथली किस्त मेरी आई है। ये देखिए फॉर्म यहाँ, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हो गया है फॉर्म अपलोड, यहाँ पे मेरा कार्ड भी जनरेट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा कार्ड है, अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया हुआ होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस योजना का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड।